हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का जो एक नया फीचर ऐड हुआ है और वो बहुत ही अच्छा है, जो कि अपन कोई भी वीडियो या कोई भी चैट देखते थे तो उसमें बहुत अपन को पीछे जाना होता था, एक एक मैसेज को पूरा रीड आउट करना होता था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है वो फीचर्स। जैसे अपन ने व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे आने के बाद अपन को जैसे किसी की भी चैट चाहिए होती है, जैसे हम किसी भी ऐप का या कोई भी चैट देखते हैं, जैसे अपन इसको चैट में देखेंगे तो अब इसमें जैसे कोई अपन को 15 तारीख की कोई चैट देखनी है तो 15 तारीख ऐसे ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ेगा, तब जाके अपनी 15 तारीख आएगी। बट जो अभी नया फीचर आया है ना, बहुत ही अच्छा है। जैसे अपन यहाँ पे आएंगे, सर्च पे आएंगे, सर्च पे आने के बाद यहाँ पे कैलेंडर शो होता है, कैलेंडर शो हो गया। अब इसमें से आप डेट और मंथ सेलेक्ट कर लो, जैसे अपन को 1 जनवरी 2024 की चैट देखनी है तो करके ओके कर दो। ये देखो, एक सिंगल टच में आपकी 1 जनवरी 2024 की, जैसे कि आप देख रहे हो, वो सारी चैट आ जाएगी। 1 जनवरी कोई चैट नहीं थी तो 2 जनवरी की जो चैट है वो आ गई है। जैसे मैं एक कंटेंट कोई और भी है, कोई भी और नंबर जैसे देखना चाहें तो ये है, इस पर फिर दोबारा यहाँ पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे। सर्च पे जाने के बाद साइड में आपको एक कैलेंडर सा दिखेगा, कैलेंडर पे टिक करोगे और किसी भी मंथ की आप डेट सेलेक्ट करोगे, उस सेलेक्ट पे डेट करके ओके करोगे। देखो 8 नवंबर का एक मैसेज था, वो आपको सीधा दिख गया। थैंक यू। ऐसी किसी भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपन कोई भी वीडियो या कोई भी फ़ोन का अपडेट आएगा बताते रहेंगे। थैंक यू।